हाँ वो शुरू हो जाए, वो तो हमने कहा ही है, तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना। तो एक एक बार उसका एक एक चीज़ की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ, तो एक एक चीज़ को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफ़ी संख्या में ट्रेन किया गया है, और उसके बाद सब जगह जा जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे देखेंगे। कोई अपजात की जगह उपजात बता देता है नाम, तो वही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज़ सबको समझाए हैं, आलोक पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा एकदम। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है, और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी, तो इसलिए एकदम बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको हम बहुत सिखवाए हैं कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावे तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना हम लोग, तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज़ की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज़ की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए। सर राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहते हैं तो लोग एग्री नहीं किए हैं, तो हम लोग यहाँ करेंगे, और यहीं नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज़ की जानकारी ले करके हम लोग करेंगे, और यहाँ जो भी होगा तो हम लोग तो इन्फॉर्म कर ही देंगे कि यहाँ का यह स्थिति है। अगर इसी तरह से करवा लीजिए देश के विकास के लिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बहुत फायदा होगा। तो हम लोग इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर कर रहे हैं।